तो भाई G20 को देखते हुए आपने देखा ही होगा कि दिल्ली एकदम सजी हुई थी। ये गाड़ियां देखो जा रही है अभी भी होटल्स की। पर खुश होने वाले कम मिलेंगे आपको और चिढ़ने वाले ज़्यादा मिलेंगे, तो उसका भी एक बेनिफिट है कि जितना चिढ़ेंगे लोग आपकी सक्सेस उतना ही ऊंची जाएगी, मतलब उतनी ही ऊंची छलांग मारोगे आप। तो इसलिए आप अपना लगे रहो, जिसको चिढ़ना है चिढ़ने दो और आप अपना सक्सेस की लाइन पे चलते रहो। 200 करोड़ प्लस जा चुकी है मूवी जवान। बहुत ही बढ़िया। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी? तो अच्छे ही होंगे सभी। तो सबसे पहले सॉरी, ये ब्लॉग लेट आया और मैं थोड़ा बना नहीं पाया बीच में, अपना चैंपियनशिप में थोड़ा बिजी हूँ। उसके बाद G20 आ गया थोड़ा दिल्ली, आपको पता है ये ब्लॉक किए हुए रोड, तो आना जाना हुआ नहीं ना, ब्लॉग बना पाया, इसलिए घर पर थोड़ा रेस्ट किया। अपना वर्कआउट सेशन चल रहा था, तो आज का वर्कआउट सेशन अब मैं दिखाऊँगा आपको कुलदीप भैया के साथ। अपना 3D शोल्डर वर्कआउट है आज, और उसके बाद डाइट लेके अपना पहले सैलून चलते हैं। देखो शेविंग यार कितनी बड़ी हो गई, वरना इतनी बड़ी मैं कम ही रखता हूँ वैसे शेविंग। और आज का पूरा शेड्यूल भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ कैसे डाइट और कैसे कैसे हम सैलून जाके अपने हुलिया ठीक कराते हैं। तो चले चलते हैं, बने रहिए मेरे साथ। तो भाई G20 को देखते हुए आपने देखा ही होगा कि दिल्ली एकदम सजी हुई थी। ये गाड़ियां देखो जा रही है अभी भी होटल्स की। G20 ने चमका दिया दिल्ली को, और हमेशा ही दिल्ली ऐसी रही तो क्या बात है भाई। बहुत अच्छी बात है कि हमारे इंडिया ने रिप्रेजेंट किया है 20 देशों के अध्यक्षता में रहते हुए। पर बहुत ही अच्छा हुआ है, इंडिया आने वाले टाइम में बहुत ही पावरफुल कंट्री के रूप में निखर के आने वाली है। अभी भी देखो गाड़ियां निकल रही है। नमस्ते इंडिया। और हमारा Chandrayaan-3 जो सक्सेसफुल पास हुआ था, तो इंडिया अभी बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहा है आजकल। जैसे बोलते हैं ना क्रिकेट फॉर्म में चल रहा है क्रिकेटर, तो ऐसे इंडिया फॉर्म में चल रहा है आजकल। सारे देश बहुत ही खुश है, और खुश कुछ ना खुश भी है जो इस सम्मेलन में समारोह में आए भी नहीं थे, जैसे अपना चाइना जो हमेशा से चिढ़ता है इंडिया से। तो होता ही है भाई, जिसकी तरक्की देख के हर कोई बंदा खुश नहीं होता। तो इसलिए अपना आगे बढ़ते जाओ बिना कुछ बोले, और आपको सक्सेस मिलती रहेगी। बस इंडिया हमारा नाम ऐसे ही रोशन करते रहे, हमें और क्या चाहिए, हमारा नाम तो वैसे ही रोशन हो जाएगा इंडिया के साथ। इसलिए जैसे मैं बोला ना मैंने कि बस अपना काम करते रहो चुपचाप, किसी को पता ना चले कानो कान खबर ना हो कि आपने क्या कर डाला। जैसे Chandrayaan-3 एकदम से सक्सेसफुल हुआ पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में एकदम से फैली बात कि इंडिया सक्सेस हो गया। तो वही है कि चिढ़ने वाले चिढ़ते और खुश होने वाले खुश होते, पर खुश होने वाले कम मिलेंगे आपको और चिढ़ने वाले ज़्यादा मिलेंगे। तो उसका भी एक बेनिफिट है कि जितना चिढ़ेंगे लोग आपकी सक्सेस उतना ही ऊँची जाएगी, मतलब उतनी ही ऊँची छलांग मारोगे आप। तो इसलिए आप अपना लगे रहो, जिसको चिढ़ना है चिढ़ने दो और आप अपना सक्सेस की लाइन पे चलते दो। तो यही आज का थॉट ऑफ द डे, जो कि मैं अपनी लाइफ में फॉलो भी करता हूँ। इसलिए मैं अपना चुपचाप काम करता हूँ, ना किसी से ज़्यादा बोलना ना कुछ, ना मैं किसी के मैटर में इतना ध्यान देता। जैसे होते ना कि अपना छोड़ के दूसरे की बातों में लगे रहते हैं, दूसरों के काम को झांकते रहते हैं कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं, तो वो तो हमारे बस की नहीं है। बस हम तो अपना काम करते हैं, लोग अगर हमें देख रहे हैं हमारी बातें कर रहे हैं पीठ पीछे, तो समझ लो तुम सक्सेस के बहुत करीब हो और तुम सही रास्ते पर जा रहे हो। ऊपर नीचे
ओ नेक्स्ट वाले पे इसके 3 सेट लिए थे हमने। अब नेक्स्ट वाला बेंच पे साइड वेज स्टार्ट करते हैं। दो ही सेट हुए अभी तो, दो में ही फट गई। खड़े हो गए ले एक आधी। अच्छा यो शोल्डर, ये थी हमारी तीसरी एक्सरसाइज साइड रेस। और इसके बाद दो एक्सरसाइज और बची है, पर इसमें क्या है, वेट कम है, रेपिटेशन भी मीडियम है, बस एक पूरा अपना प्रॉपर तरीके से बिना झटके बिना हिले आपको एक सेट लेना जिसमें आपको फील हो मसल माइंड कनेक्शन, और कुछ नहीं ज़्यादा। तो इसलिए वेट इतना मारो कि आपका पूरा मसल पे आए। नहीं, दम नहीं लगा ना, बस स्टिफ। ये बहुत ही बढ़िया। ये इसमें वाले में तो हल्का उस दिन आया था ना भाई, इसमें अभी भी हल्का हल्का अपर चल रहा महसूस, पेन है ये। इसमें हल्का हाँ सिर्फ इसमें जो उस दिन आया था, शोल्डर कब का टाइम गया? नहीं उसमें नहीं आया, इसमें सिर्फ हल्का सा खींचते हुए आ रहा, जैसे यहाँ पे हल्का आ रहा। वो तो उस टाइम हमने छोड़ दिया था ना साथ साथ। ओह
ओह वाह लेट ये देखो कौन है पीछे से शेविंग करा के सर पे शोल्डर पंप हो गया। स्लो स्टिफ एकदम इम्प्रेसिव मारना है, मतलब जैसे कि कोई ऐसा बंदा खड़ा हो उसको इम्प्रेस करने के लिए हम ये दिखा रहे हैं कि जोर ही नहीं पड़ रहा है, ऐसे मारना है वापस, लटका नहीं। हाँ हल्का चटक रहा है, चटक में पेन पेन सिमी सिमी ही हो रहा, बस हो रहा है लगातार वापस सांस लेते रहो, ये वापस, हाँ वापस, ये कंट्रोल, अरे पूरा रहना ना तेरे कोई, हाँ कोई, पर अच्छी बात है, अच्छी बात है, एंड में वरना एंड में ये होता है, अब ये कमी रहेगी। ठीक था इसमें, तो ये हमारी सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है शोल्डर की, और जिससे पहले वाली थी उसको मैं थोड़ा कर नहीं पाया, पेन था चेस्ट के टाइम पे, थोड़ा पेन आ गया था उसमें। तो अगर आपको इंजरी हो या कुछ भी पेन हो ना, तो उसे ज़्यादा रिपीट मत करो वर्कआउट, क्योंकि उससे क्या होगा इंजरी के चांस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसे वहीं छोड़ दो, नेक्स्ट वाली पे करो जिसमें उसमें प्रेशर ना आए, ये मेरे लिए कंफर्टेबल है इसलिए तो मैं ये कदम, वरना ये भी छूट जाती अगर ज्यादा पेन होता तो। चलो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज बची है, पूरा नीचे, हाँ पूरा नीचे, आगे नहीं ना, आगे नहीं,
सेट में टोटल चार वेरिएशन थी, सबसे नीचे 4-10 फिर 10 फिर 10 फिर अब टोटल 40 रेपिटेशन थे और शोल्डर से लेकर पूरी जलन हो गई है। पंप नई टेक्निक है, नई एक्सरसाइज है जो सीखने को मिलती है, पर ये बिगनर्स के लिए नहीं है, ये थोड़ा मेरे रैप का है ना तो उसके अकॉर्डिंग चल रही है एक्सरसाइज। तो शोल्डर की वर्कआउट फिनिश हो चुकी है, इसके बाद करेंगे ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स में चार एक्सरसाइज है, पुली पुश डाउन, रोप एक साथ है, देन डंबल और पुशअप, बैक पुशअप फिनिश। तो कंपटीशन पास है इसलिए दो दो वर्कआउट साथ में चल रही है नॉन स्टॉप। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लोग पूछ रहे हैं पब्लिक कि भाई कौन सा कंपटीशन खेल रहे, कौन से क्लासिक खेल रहे, मैन फिजिक खेल रहे, तो बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? सरप्राइज सरप्राइज देंगे और कंडीशन बताएंगे, टाइम आएगा तब बताएंगे भी। पब्लिक कंडीशन पूछ रही है, कंडीशन दिखाएंगे आपको अभी वर्कआउट के बाद दिखाते हैं। चलो दिखाते हैं, फिनिश करते हैं बेटा। लेकिन ये मान लो ये लास्ट कंडीशन अपडेट रहेगी, इसके बाद फिर सीधा फाइनल, बाद सीधा स्टेज पे। बहुत बढ़िया, कम ऑन, हाँ पीछे से एल्बो पीछे, हाँ ये है ना बात, ये कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बहुत ही बढ़िया, स्लो स्लो, आ जाओ जल्दी 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 जल्दी, ये
बहुत बढ़िया ऊपर, हाँ ये था ऊपर ऐसे एक फ्लो में, ये आया ना मजा, ये बहुत बढ़िया। ये देख लो भाई कंडीशन बस इतनी दिखाएंगे ये था सरप्राइज इससे भी समझ ही जाएंगे भाई क्या कंडीशन है। हाँ ना और भी दिखा देंगे लेकिन ज्यादा नहीं दिखाएंगे आगे, उनको पता ही है भाई जो 2 साल से मेरे साथ चल रहा है। अच्छा जो ऑडियंस को भी पता है, 1 हफ्ते पहले बीमार कॉम्पिटिशन, मैं अब बीमार नहीं होंगे बस 100% पहुंच जाए। लास्ट एक्सरसाइज, लास्ट करो, लास्ट करो। हाँ ये लास्ट बना के फिर स्टार्ट, लड़कियों के मैसेज आ रहे क्या, लड़कियों के मैसेज आ रहे? नहीं भाई ये मुझे नहीं आते, ये मैसेज कर दे चुपचाप लड़कियों को भाई, लड़कियों को गंद बोल रहे भाई, यूट्यूब देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जाके बताना, लड़कियों को गंद बोला? नहीं 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 टॉपिक चेंज कर, पार्टी में कौन टॉपिक चेंज हो रहा है, लड़की का नाम लड़के से पूछे, मैंने क्या बोला, मैंने बोला लड़कियों के मैसेज, भाई ने बोला गंद, लड़कियां गंद है भाई, देखो गाली पड़ जाएगी, ये वकील बन रहा है भाई, देख गाली पड़ जाएगी, सही से बता, ये एथलीट प्लस वकील प्लस पार्टी होलिक और तीन जलन हो रही है गंदी। तो गाइस अपनी वर्कआउट फिनिश हो चुकी है, अब निकलता हूँ, पहले डाइट लेता हूँ, उसके बाद सैलून चलते हैं, थोड़ा हुलिया ठीक किया जाए, शेविंग देख ही दिया आपने पहले भी और अब देखो कितनी बड़ी हो गई है, तो चलो चल के स्मार्ट स्मार्ट सा बनते हैं, छोदा छोदा बनते हैं, स्मार्ट लौंडा, हाँ स्मार्ट लौंडा, अच्छा चलो दिखाते चल के। तो भाई अपना शेव वेव सेट हो चुकी है और सेक्सी लौंडे बन चुके हैं, तो अब डाइट रह गई थी, अब पहले डाइट लेता हूँ जाके अपने अंडे फिर चिकन, उसके बाद अपनी जिम पे चलता हूँ फटाफट, वहाँ से भी मुझे कॉल आ रहे थे अपने लड़कों के, तो चलो चलते हैं फटाफट और पहुँचते हैं जिम। तो भाई मैं पहुँच चुका हूँ प्रयास, और उससे पहले मैं अंडे की एक डाइट ले चुका था एग, और अब मैं जा रहा हूँ मैकडी, मैकडी लूँगा मैं पहले एक चिकन बर्गर और एक फिश बर्गर, तो एक मील यहाँ पूरी हो जाएगी, उसके बाद 3 घंटे बाद अपना चिकन एंड राइस, फिर एक मील आ जाएगी, उसके बाद कल मंगलवार है, कल तो मैं खाता नहीं हूँ, कल नॉन वेज को मैं हाथ भी नहीं लगा, तो आज जितनी मैं पूरी कर सकता हूँ उतनी पूरी कर रहा हूँ डाइट। चलो चलते हैं, मैकडी पहुँच गया मैं, जाओ। तो भाई जवान लगी हुई है मूवी, इस टाइम शाहरुख खान छा रखे, इस टाइम बहुत ही तगड़े 200 करोड़ प्लस जा चुकी है मूवी जवान। डाइट आ गई है जिम के बाद, चिकन बर्गर दोनों चिकन है और ये फिश है, तो दोनों अपना, क्योंकि इसके बाद मैं राइस चिकन भी लूँगा 3 घंटे बाद, चलो स्टार्ट करते, भूख लग रही है बहुत तेज। तो भाई मैकडी से निकल चुका हूँ और अब जा रहा हूँ जिम, फिर चिकन एंड राइस भी लेना है, उसके बाद वॉक भी जाना है मुझे,
अभी 3,000 स्टेप पूरे हुए हैं, तो मुझे टोटल 10,000 स्टेप पूरे करने, उसके बाद फिनिश करते हैं अपना आज का दिन, चलते हैं।